तो दोस्तों आज हमारे पास एक सबसे ज्यादा स्टाइलिश दिखने वाली स्मार्ट वॉच है। स्टाइलिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वॉच में ना इतने सारे वेरिएंट्स हैं, अगर आपको कोई भी स्टाइल है ना तो मुझे लगता है यहाँ पर वो मैच हो सकता है। और इस वॉच का नाम है फायरबोल्ट की वोग। अब वोग वैसे मैंने मतलब मैगजीन का नाम सुना था, लेकिन यहाँ पर जो वॉच का नाम है, लेकिन इस वॉच में आपको यहाँ पर सबसे बड़ा 2.05 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है। मेटल आपको यहाँ पर स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं क्योंकि ये भाई लक्स एडिशन है। तो कैसी स्मार्ट वॉच है सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये भाई हमारे फायरबोल्ट वोग के बॉक्सेस हैं, देख सकते हो बहुत ही लंबे लंबे बॉक्स हैं। और मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएंट में, जैसे भाई और भी बहुत सारे कलर्स में आती है वॉच, लेकिन ये ब्लैक जो स्ट्रैप्स के साथ आती है और ये मेटल स्ट्रैप्स हैं, उसके अलावा ये एक और स्ट्रैप्स है पर्पल टाइप का लग रहा है, लेकिन इसका ऑफिशियल नेम है भाई रेनबो SS, क्योंकि और भी कलर्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं। डब्बे को खोल लेते हैं और देखते हैं भाई वॉच कैसी दिखती है। तो सबसे पहले तो जैसे बताया था, ये जो वॉच है भाई 2.05 इंच के काफी बड़े डिस्प्ले के साथ आती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट है। लुक भाई कुछ इस तरह से दिखेगी। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, और भी बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स लिखे हुए पढ़ सकते हो। यहाँ पर NFC का भी यहाँ पर आपको फीचर दिया हुआ। पीछे की तरफ इसके और कुछ फीचर्स हैं, IP68 रेटिंग, बाकी फीचर पढ़ लो भाई। अच्छे खासे फीचर लग रहे हैं इस वॉच के, और इस वॉच का प्राइस सिर्फ 2000 रुपये है। देखते हैं भाई कैसी वॉच है। और बॉक्स ओपन करते ही देख सकते हो जो वॉच है ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है। यहीं पर ही दिख रहा है भाई जो रेनबो जो शेड्स कलर यहाँ पर आ रही हैं, तो इनको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ वॉच को। मतलब दिख ही रहा होगा भाई ये वॉच में जो कलर्स वगैरह हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं इस बार। मतलब सारे कलर इसके स्ट्रैप्स में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर दिख रहे हैं। तो पर्पल है भाई, अलग अलग कुछ कलर्स हैं, तो इसको थोड़ी क्लोजली देखेंगे। लेकिन बाकी जो बॉक्स के कंटेंट चेक कर लेते हैं, तो बॉक्स में एक और यहाँ पर एसेसरी बॉक्स है, और इसमें ऑब्वियसली जैसे बताया मैंने, इसमें आपको एक चार्जर मिलता है और एक वायरलेस चार्जिंग डॉक है। देखो वैसे वायरलेस चार्जिंग थोड़ी सी स्लो ही होती है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 घंटे में वॉच चार्ज होती है, क्योंकि ये जो ब्लैक वाली है ना मैं ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुका हूँ। बाकी इसके साथ आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन है, तो यूजर मैनुअल है, यहाँ पर कुछ सब्सक्रिप्शन और वारंटी इन्फॉर्मेशन। तो ये तो भाई बॉक्स के कंटेंट, लेकिन भाई अब हमारी जो वॉच है उसको क्लोजली देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर जो प्लास्टिक रैपर लगा है तो उसको मैं हटा देता हूँ, और ये जो वॉच है देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखती है। भाई एक चीज बोलूं, जो वॉच है ना दिखने में एकदम एग्जैक्टली एप्पल वॉच की तरह ही दिख रही है। वैसे यहाँ पर आपको एक क्राउन सा दिया हुआ है, एक बटन है, और जो पूरी शेप जैसे देख पाओगे पूरी एप्पल वॉच की तरह ही है। इसकी स्क्रीन के ऊपर एक जो स्टिकर लगा तो उसको हटा देते हैं, और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर ये जो 3D कर्व ग्लास भी दिया हुआ है, भाई पूरी एप्पल वॉच की कॉपी लग रही है वॉच दिखने वाइज। लेकिन इस वॉच के साथ जो इंटरेस्टिंग चीज है वो इसके स्ट्रैप्स हैं। तो देख सकते हो भाई रेनबो स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और एक मैग्नेटिक स्ट्रैप्स हैं, तो मैग्नेट के थ्रू ये जो वॉच है इसका जो साइज है एडजस्ट कर सकते हो, तो ये सही है। तो दिखने वाइज ना ये जो वॉच है ना बहुत ही ज्यादा यूनिक सी लगी मुझे। मतलब वैसे तो एप्पल वॉच जैसी दिख रही है, लेकिन जो स्ट्रैप्स है ना थोड़े से यूनिक टाइप के हैं। लेकिन जैसे ये जो वॉच है भाई अलग अलग बहुत सारे स्टाइल्स में आती है। तो जैसे मेरे पास ये जो ब्लैक कलर वाला वेरिएंट है वो भाई कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर भी पूरी आपको जो लुक मिलेगी एप्पल वॉच जैसी मिलेगी, और ब्लैक यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप है दिखने में काफी क्लासी लग रही है वैसे। बाकी बिल्ड क्वालिटी पूरी यहाँ पर मेटल है। पीछे की तरफ इसके जो सेंसर्स वगैरह हैं, तो हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर्स आपको दिखेंगे, और यहाँ पर ये स्पीकर ग्रिल आपको देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, माइक यहाँ पर है। 2000 रुपये में यहाँ पर अच्छी खासी लुक है। तो अब जल्दी से ये जो वॉच है इसको ऑन कर लेते हैं, उसके फीचर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वॉच ऑन करने के लिए यहाँ पर ये जो ऊपर क्राउन है इसको आपको प्रेस करके रखना है, और ये जो वॉच है ऑन हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आ गई है। और इस वॉच के साथ ना आपको यहाँ पर FB एक्टिव ये जो ऐप है इसे इंस्टॉल करना है, और ये ऐप ऑलरेडी फायरबोल्ट की दूसरी वॉचेस की वीडियोस में भी हम कवर कर चुके हैं। तो इस वॉच में ना सारे जितने भी इन्फॉर्मेशन रहेगी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख पाओगे, काफी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अब बात करते हैं इस वॉच के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले देख सकते हो इस वॉच में जैसे बताया भाई आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर देखने को मिल रहा है, इवन तो ये भाई एक LCD डिस्प्ले है, लेकिन फिर भी आपको एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑब्वियसली बात है भाई बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा अगर आप ये फीचर इनेबल करते हो, क्योंकि AMOLED में होता है भाई थोड़ी सी बैटरी बचती है। यहाँ पर बैटरी वगैरह अगर आपको सेव करनी है तो ये डिसेबल कर दो। बाकी वॉच को जैसे ही आप ऑन करोगे तो देख सकते हो इस वॉच की जो लुक है ना, यहाँ पर जो वॉच फेसेस वगैरह भी है वो भी पूरे एप्पल वॉच जैसी है भाई। बहुत ही यहाँ पर तगड़े सी जो इसकी स्क्रीन लग रही है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो क्राउन है ना इससे इसके जो वॉच फेसेस चेंज हो जाते हैं, और देख पाओगे कि यहाँ पर जो इस वॉच में बेजल्स वगैरह है वो बिल्कुल एक तरह से ना के बराबर है जैसे आपको यहाँ पर एप्पल वॉच में मिलते हैं। बहुत ही मिनिमल से, बहुत ही कम से बेजल है, बहुत ही प्रीमियम सी लग रही है इसकी जो स्क्रीन, क्योंकि उसका भी एक रीजन है कि इस वॉच में आपको यहाँ पर काफी ह्यूज 2.05 इंचेस का काफी बड़ा सा एक डिस्प्ले दिया हुआ है, और डिस्प्ले जो रेजोल्यूशन है वो भी यहाँ पर काफी हाई है 428x518। तो देख सकते हो यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो बहुत ही शार्प है, और हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिया हुआ है।
एक तरह से एच डी डिस्प्ले मैं बोलूंगा, और मुझे जो डिस्प्ले इसका भाई बहुत ही अच्छा लगा, काफी बढ़िया लग रहा है 2000 के प्राइस पॉइंट में। बाकी ब्राइटनेस भी यहाँ पर मुझे काफी सही लगी, 500 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस है, तो इंडोर हो आउटडोर हो विजिबिलिटी में यहाँ पर किसी तरह से कोई इशू नहीं है। बाकी जल्दी से इस वॉच के फीचर्स भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इस वॉच में आपको भर भर के बहुत सारे फीचर्स दिए हैं। तो सबसे पहले तो देख सकते हो भाई, इसका जो वॉच फेस है वैसे ही है जैसे एप्पल वॉच में रहता है, एप्पल वॉच अल्ट्रा में रहता है। और ये जो वॉच फेस है ना, डायनेमिक वॉच फेस, यानी कि आप अगर जैसे कोई भी आइकन पर टैप करते हो तो वो ऑप्शन ओपन हो जाता है, जैसे अलार्म यहाँ पर ओपन हो गया, या फिर देख सकते हो एक्टिविटी वाला ऑप्शन, बैटरी सेविंग मोड वाला ऑप्शन, तो अलग अलग आइकन्स यहाँ पर जो है वो वर्क करते हैं। उसके अलावा वॉच फेस चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, अलग अलग यहाँ पर इस क्राउन की मदद से चेंज कर सकते हो, या फिर इसकी ऐप में भी जाकर आप बहुत सारे जो वॉच फेसेस हैं उसे इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत बड़ी सी एक लाइब्रेरी है, मतलब एप्पल वॉच जैसे ही आपको और भी बहुत सारे वॉच फेसेस मिल जाएंगे तो एकदम बिल्कुल एप्पल वॉच ही बन जाएगी। बाकी वॉच पर अपनी फोटो वगैरह लगाते हो आप लोग तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है, वो लगा सकते हो फोटोज वगैरह। बाकी जल्दी से वॉच के यूआई की बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे नोटिफिकेशन बेल है, ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो ये यहाँ पर क्विक टॉगल बटन है जहाँ पर आप इसका जो मेन्यू स्टाइल चेंज कर सकते हो, और या फिर जल्दी से जैसे डायल पैड ओपन करना हो तो वो हो जाएगा। स्वाइप करोगे तो और भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे NFC, यहाँ पर अलार्म, और यहाँ पर एक वाटर ड्रेनेज का ऑप्शन है, पानी वगैरह में चली जाए तो देख सकते हो यहाँ पर ये वाइब्रेट करना शुरू हो गई वॉच। बाकी इसमें ब्राइटनेस जो ऑप्शन है जैसे आप देख सकते हो, मैंने बिल्कुल लोअर लेवल पर रखा है, हाई लेवल पर करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो भाई बहुत ही ज़्यादा ये वॉच है ब्राइट हो गई है। टॉर्च जैसे फीचर भी आपको यहाँ पर दिए हैं, और देख सकते हो भाई इस वॉच के बेजल वगैरह काफ़ी कम है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर होम स्क्रीन पर राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो शॉर्टकट कार्ड है, सबसे पहले एक्टिविटी का ऑप्शन है, स्वाइप करके और भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी एप्पल वॉच जैसे ही है। उसके अलावा स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पर लास्ट नाइट की स्लीप हिस्ट्री भी आप देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर हार्ट रेट, और स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर भी आप इसकी हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो, और स्वाइप करेंगे तो म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन है, प्लस का बटन है तो और भी जो विजिट्स वगैरह ऐड या रिमूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये जो कैलकुलेटर है उसे यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, और देख सकते हो कैलकुलेटर यहाँ पर ऐड हो गया, तो ये इसके शॉर्टकट कार्ड है। उसके अलावा लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन डिस्प्ले व्यू का ऑप्शन है, तो देख सकते हो ये रिसेंट ऐप्स रहेंगी, और यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट वगैरह आपको अगर यूज़ करना है तो। लेकिन मेन्यू एक्सेस करना है तो यहाँ पर ये जो क्राउन है इसको आपको प्रेस करना है, और ये मेन्यू आपको ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, हनीकॉम ग्रिड स्टाइल में, भाई दिखने में पूरी एप्पल वॉच ही है। बाकी मेन्यू वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हो भाई बहुत ही स्मूथ है, और लेकिन ये जो मेन्यू स्टाइल अगर चेंज करना है तो यहाँ पर ये जो डबल टैप कर सकते हो इस एक्टिव क्राउन पे, और अलग अलग बहुत सारे मेन्यू स्टाइल इस वॉच में दिए, आई थिंक 8 के करीब है, तो ये कुछ इस तरह से है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो लिस्ट स्टाइल है उसी में आपको इसके फीचर वगैरह बताया था। सबसे पहले एक्टिविटी, स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट, ECG का ऑप्शन है, लेकिन ये हार्ट रेट की तरह काम करता है, ECG आपको इस वॉच में नहीं दिया हुआ है। लेकिन उसके अलावा ब्लड प्रेशर, BP ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इस वॉच में आपको यहाँ पर 105 के करीब स्पोर्ट्स मोड दिए हुए हैं, 105 में से मतलब कुछ ही यूजफुल होते हैं वैसे तो, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो। बाकी म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, वेदर, नोटिफिकेशन, उसके बाद यहाँ पर फ़ोन के ऑप्शन है, तो फ़ोन में कॉल रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट, डायल पैड, SOS का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डायल पैड यहाँ पर भी दिया हुआ, आई डोंट नो वाई, लेकिन शॉर्टकट है। उसके अलावा वॉइस असिस्टेंट, अलार्म, ब्रीथ का ऑप्शन है, कैलकुलेटर हमने देखा, टाइमर, स्टॉप वॉच, माई कार्ड, बेसिकली QR कोड वगैरह आप ऐड कर सकते हो किसी से शेयर करने के लिए, रिसिप्ट कोड, बेसिकली PayPal वगैरह का भी QR कोड यहाँ पर ऐड हो जाएगा, फ्लैश लाइट, थीम में हमने देखा, मसाज का ऑप्शन है यहाँ पर एक और है, मतलब वॉच से मसाज कर सकते हो, इसको ऑन करोगे तो ये जो वॉच है ना ऐसे वाइब्रेट करती है। इसके फीमेल्स के लिए मेस्ट्रोसाइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शन है, गेम्स यहाँ पर आपको दी हुई है। लेकिन इस वॉच में ना इसकी ऐप में यहाँ पर एक ऐप मार्केट है, तो इसमें जाकर और भी जो ऐप्स हैं या फिर मैं बोलूँ गेम्स हैं वो इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन एक बार में ना एक ही गेम इंस्टॉल होती है, मैंने पता नहीं ये कौन सी गेम इंस्टॉल कर ली है, पुश आउट बॉक्सेस, तो ये गैस आई गैस कुछ पजल टाइप की है, तो सही लग रही है वैसे टाइम पास करने के लिए, तो इस तरह से गेम खेल सकते हो। उसके अलावा एप्लीकेशन मार्केट का ऑप्शन है, तो ये कुछ ऑप्शन दिया है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि भाई ये किस तरह से कोई काम नहीं करते। GPS मूवमेंट, बेसिकली आपके जो वही सेम आपके जो स्पोर्ट्स मोड है। थर्मामीटर आपको दिया हुआ है इस वॉच में, लेकिन थर्मामीटर का कोई भी सेंसर वगैरह नहीं है, सिर्फ लाइट्स वगैरह जलती हैं, तो एक तरह से बोलूंगा कि इस पर भी ज़्यादा रिलाय मत करना। सेटिंग का ऑप्शन है, और सेटिंग में यहाँ पर स्टाइल, लैंग्वेज, डिमिंग, बेसिकली ब्राइटनेस वगैरह, स्क्रीन टाइम, वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन, रिंगटोन, रेस टू वेक, पिन लॉक वगैरह लगा सकते हो, टाइम सेटिंग्स हैं उसको चेंज कर सकते हो, की डेफिनेशन, क्योंकि इस वॉच में आपको एक शॉर्टकट बटन भी दिया हुआ है, तो कौन सा शॉर्टकट आपको इस बटन पे रखना है तो वो सारा यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर आई थिंक स्पोर्ट्स मोड है, तो इसको टैप करेंगे तो स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर ऑन हो गया। उसके बाद बेड साइड लैम्प है, तो चार्जिंग पे लगाते हो ना तो वहाँ पर भाई ऐसे मतलब लैम्प की तरह काम कर सकता है, बेसिकली नाइट क्लॉक की तरह ज़्यादा है वो, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। उसके बाद QR कोड, बैटरी पावर सेविंग, अबाउट, रिस्टोर, फैक्ट्री पावर ऑफ, ये सब ऑप्शन आपको दिए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जैसे आपने कि भाई फायर बोल्ट वोग, इसमें आपको जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ फीचर्स मुझे ना शायद गिमिकी टाइप भी लगे हैं, लेकिन भाई दिखने में ये जो वॉच है ना एकदम एप्पल वॉच की तरह ही है। स्क्रीन यहाँ पर मुझे भाई बहुत ही अच्छी लगी, काफ़ी शार्प डिस्प्ले है, एमुलेट नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर जो बेजल्स वगैरह हैं इस वॉच के बहुत ही कम है, मिनिमल बेजल आपको मिलेंगे, और लुक वगैरह बहुत ही बढ़िया आती है इस वॉच की। 2000 रुपये की स्मार्ट वॉच है भाई, ऐसी लुक आपको इस वॉच में मिल रही है,
मुझे ये चीज़ काफ़ी सही लगी। लेकिन इसके अलावा फीचर्स, जैसे मैंने बोला भाई, जो कुछ फीचर्स हैं जो अच्छे खासे हैं, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जिनको चेक कर लेते हैं। जैसे हार्ट रेट, SPO2 कॉलिंग का फीचर है, तो उसको चेक करके देख लेते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो वॉच है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक स्ट्रैप्स मिलते हैं, तो कुछ इस तरह से आप इसको पहन पाओगे। और इन हैंड जो लुक है ना इस वॉच की, वो कुछ इस तरह से दिखती है भाई। दिखने में वैसे ये जो वॉच है बहुत ही बढ़िया लग रही है इन हैंड, कोई कह नहीं सकता। मतलब ये एप्पल वॉच है या फिर फायरबोल्ट, वोग, या फिर जो भी आप कहना चाहो, लेकिन ये जो वॉच है इसके स्ट्रैप्स वगैरह के साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी जैसे और भी बहुत सारे इसमें आपको जो स्टाइल और कलर्स वगैरह मिल जाते हैं, ब्लैक स्ट्रैप्स के साथ ये जो वॉच है इसकी इन हैंड लुक कुछ ऐसी रहती है, बट मुझे कंफर्टेबल लगी है वॉच। और यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट दिया, तो रेस टू वेक वाला फीचर यहाँ पर चेक कर लेते हैं, वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन भाई इस वॉच में जो आपको हार्ट रेट, SPO2, BP, ECG जैसे ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं, वो यहाँ पर वर्क नहीं करते हैं। मैंने बहुत बार ट्राई किया और हर बार एक एरर यहाँ पर शो हो जाता है, किसी तरह से कोई रीडिंग मुझे नहीं आ रही है। कुछ वॉचेस होती हैं भाई बिना पहने जो रीडिंग देती है, ये पहनने के बाद भी रीडिंग नहीं दे रही है यहाँ पर। आई डोंट नो कुछ क्या रीज़न है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक कोई अपडेट वगैरह के बाद शायद फिक्स हो जाए, तो वो मैं नीचे कमेंट यहाँ पर पिन कर दूंगा। जैसे मैं हार्ट रेट यहाँ पर मेजर कर रहा हूँ, और यहाँ पर थोड़ी देर में एक, जैसा आप देखोगे कि एक एरर शो कर देगा, इवन दो मैंने यहाँ पर ये वॉच पहनी हुई और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर स्नग फिट है, देख सकते हो यहाँ पर एरर आ गया। बाकी ऑक्सीमीटर को भी जैसा मैं आपको चेक करके दिखाऊं, तो भी यहाँ पर किसी तरह से कोई भी रीडिंग ये वॉच शो नहीं करती है, हर बार एक एरर शो हो जाता है। बाकी यही चीज़ मैंने यहाँ पर दूसरी वॉच में भी चेक किया है, दोनों में यहाँ पर इसी तरह से एरर आ रहे हैं, किसी तरह से कोई रीडिंग ये वॉच शो नहीं कर रही है। तो आई थिंक फायरफोल्ड को ये फिक्स करने की जरूरत है। लेकिन हर बार मैं बोलता हूँ भाई, ये जो वॉचेज है ना जो बजट में आती हैं, ये भाई कोई मेडिकल इक्विपमेंट तो है नहीं, तो जितने भी सेंसर्स वगैरह रहते हैं उन पे आप ज्यादा रिलाय भी वैसे भी नहीं कर सकते हो, तो वैसे यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक्यूरेसी का लेवल रहता है वो वैसे भी थोड़ा कम ही रहता है। लेकिन अब इसमें जो कॉलिंग का फीचर है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर डायल कर देता हूँ और इसका स्पीकर का वॉल्यूम है वो चेक कर लेते हैं। जैसा आप सुन सकते हो स्पीकर का जो वॉल्यूम है यहाँ पर फुल है, वैसे मैं वॉच से यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकता वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक है। इंडोर में आप ले सकते हो कॉल वगैरह, आउटडोर में हो गए तो थोड़ा सा कम लग सकती है यहाँ पर इसकी जो स्पीकर का वॉल्यूम। बाकी माइक की क्वालिटी की बात करूँ तो जो अब आवाज आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो भाई फायरबोल्ट वोक के माइक्रोफोन से। माइक जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस साइड पर है, और अगर आप इस तरह से हाथ रखकर बात करते हो तो ऐसी रहेगी माइक की क्वालिटी। कुछ काम कर रहे हो आपका हाथ थोड़ा सा दूर है तो ऐसी रहेगी माइक की क्वालिटी। आपको कैसी लग रही है माइक की क्वालिटी वो आप मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करना चाहो जल्दी से कर दो। बाकी नोटिफिकेशंस की बात करें तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है, और ये जो वॉच है वाइब्रेट कर रही है और साथ में रिंग भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो साइलेंट करने का कोई ऑप्शन है, तो उठा सकते हो या फिर काट सकते हो, तो उठा लेते हैं। और उठाने के बाद यहाँ पर जो सिर्फ काटने का ही ऑप्शन है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज वगैरह यहाँ पर नहीं कर पाओगे आप। बाकी SMS नोटिफिकेशंस की बात करें तो कुछ इस तरह से पॉपअप की तरह आता है, तो इस पर टैप करोगे तो मैसेज पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको इंग्लिश टेक्स्ट का सपोर्ट है, हिंदी टेक्स्ट का सपोर्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी टेक्स्ट में मैंने टाइप किया था तो वो गायब हो गया। इमोजी का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये है फायरबोल्ट वोग। अब देखो वॉच दिखने में बहुत ही प्रीमियम सी है, बहुत ही अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है, एक तरह से एप्पल वॉच ही लगती है पूरी। और यहाँ पर डिस्प्ले मुझे काफी सही लगा, काफी शार्प डिस्प्ले, हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले है, और H2S डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये काफी सही है। 2000 रुपए के प्राइस पॉइंट में मुझे इसकी लुक काफी बढ़िया लगी। मेटल स्ट्रैप्स आपको मिल रहे हैं, चेन स्ट्रैप्स हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कुछ फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड फीचर अभी नहीं चल रहे हैं, अगर कुछ अपडेट थ्रू यहाँ पर कुछ फिक्स कर पाए फायरबोल्ट तो मुझे लगता है काफी बढ़िया रहेगी। कॉलिंग वगैरह है, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि काफी अच्छी दिखने वाली स्मार्ट वॉच है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो में, तो आप वो ध्यान रखकर यहाँ पर वॉच को परचेज करना है नहीं करना है, वो आपका डिसीजन है, आप ले सकते हो। तो आपको कैसी लगी है फायरबोल्ट वोग ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको